नमस्कार। टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर सीएम योगी के आदेश का असर आज देखने को मिला है। जिला मुख्यालय पर सड़क के किनारे पटरी पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। नगर पालिका अकबरपुर, जिला प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में नाले के आगे अस्थायी रूप से कब्जा हटवाया गया है। ईओ नगर पालिका ने बताया कि पहली प्राथमिकता में नाले के पार अतिक्रमण करने वालों को रखा गया है। जो भी दुकानदार नाले को पार कर अस्थायी कब्जा किए थे, उन्हें हटाया जा रहा है। उन्हें हिदायत दी जा रही है कि नाले के उस पार ही रहें। पुरानी तहसील तिराहे और बस स्टेशन क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही अवैध रूप से वाहन स्टैंड को भी हटवाया जा रहा है। क्या कुछ कहा बीना सिंह, ईओ नगर पालिका अकबरपुर ने, सुनिए। उसका क्राइटेरिया अभी तक हम लोगों ने रखा है, जो अस्थाई नाले के आगे पटरी के तरफ कर लिया है लोगों ने। पहली क्राइटेरिया तो वही है कि नाले के पीछे ही जो भी है वो रहें, और नाले के आगे किसी भी दशा में, नाले के ऊपर या नाले के आगे किसी भी दशा में ना आए। जितने अवैध पार्किंग स्टैंड हैं वो तो हटवाए जा रहे हैं, पुलिस ने पहले भी हटवा लिए हैं कुछ सारे। बाकी जो नगर पालिका के हैं वो चिन्हित है, उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर क्षेत्र के विद्यालय आदर्श जूनियर हाई स्कूल पर समर कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, आदर्श जूनियर हाई स्कूल कंपोजिट ब्रह्मस्थान विद्यालय पर समर कैंप का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में बच्चों को पेंटिंग, मेहंदी, योगा, अरेबिक, डांस, सेल्फ डिफेंस तथा पियानो शिक्षकों द्वारा सिखाया जाएगा। कैंप का उद्घाटन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा बच्चों और शिक्षकों का जुड़ाव अधिक होता है। इस तरह के एक्टिविटीज विद्यालयों में कराए जाने की आवश्यकता है। प्रधानाध्यापिका संध्या तिवारी ने सभी बच्चों का स्वागत किया। कैंप के प्रथम दिन दिवस पर शिक्षक अमरीश श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को ढोलक वादन भी सिखाया गया। शिक्षिका प्रतिभा श्रीवास्तव द्वारा पेंटिंग सिखाई गई। संकुल शिक्षक प्रतिभा ने बच्चियों को मेहंदी लगाना सिखाया। आपको बता दें, कैंप में शिक्षक अजिंद्र राय ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक सठियां स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पीसीसी सदस्य लालसा राय के त्रयोत्साह के मौके पर उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल भी हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वर्गीय लालसा राय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, आजमगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, आजमगढ़ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे, आजमगढ़ कांग्रेस के महासचिव अजीत कुमार राय, रविकांत त्रिपाठी सहित तमाम कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय लालसा राय के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री राय आजमगढ़ कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे, जीवन पर्यंत कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और हमेशा नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने कई विद्यालयों की भी स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। उनके निधन से जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ एवं शिक्षा जगत की जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उसके निकट भविष्य में पूरा कर पाना संभव नहीं है। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने आज बताया कि नीमा आजमगढ़ की तरफ से 22 मई 2022 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शेखर सोशल महिला महाविद्यालय सम्मोपुर मऊ रोड सिधारी आजमगढ़ पर निशुल्क सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में हृदय रोग, अस्थि रोग, मधुमेह रोग, नाक कान गला रोग, कैंसर रोग के साथ ही गुदा रोग से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। डॉक्टर सिंह ने आमजन से आग्रह किया कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। क्या कुछ कहा डॉक्टर डीडी सिंह ने, सुनिए। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन
नीमा आजमगढ़ की तरफ से रविवार 22 मई 2022 को रात 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्थानीय शेखर सोशल महिला महाविद्यालय सम्मोपुर मऊ रोड सिधारी आजमगढ़ पर एक सुपर स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हृदय रोग, अस्थि रोग, नाक कान गला रोग, मधुमेह रोग, कैंसर रोग के साथ ही साथ गुदा रोग से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। मेरा आजमगढ़ की जनता से आग्रह है वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ से, जहां पर पिकअप टेम्पो की चक्कर में 3 की मौत हो गई है और 9 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर निवासी श्याम बहादुर की बहन की लड़की की शादी पवई थाना क्षेत्र के मैगना टेहरी गाँव में शादी लगी हुई थी, जिसमें शामिल होने के लिए रिश्तेदार बहन भाई भतीजा गए थे। आज टेम्पो से वापस सरायमीर के लिए निकले दिन में 1 बजे करीब टेम्पो उदयपुर गांव सभा स्थित पहुंचा कि सामने से आ रही पिकअप की चपेट में आने से जीप में टक्कर लग गई। जबरदस्त टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जो क्रमशः आलिया 8 वर्ष की बताई जा रही है, शिव बहादुर मोहिद्दीनपुर शाहिद 15 वर्ष का बताया जा रहा है, विजय बहादुर मोहिद्दीनपुर सरायमीर को मृतक घोषित कर दिया गया है, तो वहीं तीसरे निर्मला उम्र 35 वर्ष निवासी लसड़ा खुर्द थाना बर्द को मृत्यु घोषित भी कर दिया गया है। सलोनी 6 वर्ष की बताई जा रही है, जिसके पिता का नाम कालिका प्रसाद है। मोहिद्दीनपुर बबीता 30 वर्षीय बताई जा रही है, जिसके पिता का नाम मेवालाल, ग्राम खुटाना, जिला अस्पताल के लिए इसको रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहां पर पिकअप टेम्पो की टक्कर में 3 की मौत हो गई है और 9 घायल बताए जा रहे हैं। पर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर विद्युत चोरी को रोकने हेतु सैयद अब्बास रिजवी अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय आजमगढ़ के निर्देशन में विद्युत वितरण खंड पंचम आजमगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा किशनपुर टाणी एवं अन्य कई स्थानों पर पुलिस प्रवर्तन दल आजमगढ़ एवं विद्युत विभाग की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर 25 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 45 लोगों का बकाये पर विद्युत लाइन काट दिया गया है। मौके पर बकायेदार उपभोक्ताओं से लगभग 3,50,000 की वसूली की गई है। मॉर्निंग रेड की कार्रवाई के दौरान श्री दिनेश कुमार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पंचम आजमगढ़, राजीव रंजन राय उपखंड अधिकारी जहानागंज, विक्रमवीर सिंह उपखंड अधिकारी मुबारकपुर आजमगढ़, प्रमोद कुमार सिंह अवर अभियंता, सत्येंद्र कुमार अवर अभियंता, राकेश यादव प्रभारी प्रवर्तन दल आजमगढ़ व अन्य विद्युत प्रवर्तन कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान लगातार चलता रहेगा। विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि विद्युत कनेक्शन के लिए किसी भी जन सेवा केंद्र पर आवेदन कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यूपी के भदोही में यातायात प्रभारी द्वारा चलाया जा रहा है यातायात जागरूकता अभियान। आपको बता दें, यातायात संबंधी जागरूकता हेतु विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत जनपद में कुल 169 वाहनों का चलान भी किया गया। आपको बता दें, जनपद भदोही पुलिस द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक किया गया तथा यातायात जागरूकता के तहत आमजन व वाहन चालकों यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करते हुए मुख्य चौराहों बाजारों में यातायात नियमों का पालन करने, जैसे नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, अवयस्क को वाहन न चलाने देने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने, वाहनों को ओवरलोड न चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने आदि के संबंध में जागरूक किया गया। इसी के तहत यातायात जागरूकता के साथ साथ जनपद भदोही के कुल 169 वाहनों का भी चलान किया गया। आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खां को 89वें केस में कल अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको बता दें, जमानत के बाद आज सुबह सीतापुर जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। जेल से आजम खां को लेने के लिए परिजनों के साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे सीतापुर से, जहां पर जेल से आजम खां को लेने के लिए परिजनों के साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के
अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी पहुंच गए हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खां को 89वें केस में कल अंतरिम जमानत के बाद आज शिवपाल यादव उनको लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, जेल से रिहा होकर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहां आजम खां की पत्नी भी मौजूद थी। यहां से आजम खां सीधे रामपुर घर जाएंगे। आपको बता दें, इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रही। आपको बता दें, इस विषय पर आजम खां ने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की है। यूपी के भदोही से दिखा रहे हैं, जहां पर समस्त क्षेत्र अधिकारी गढ़ एवं थाना चौकी प्रभारियों द्वारा मय पुलिस बल कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत किया जा रहा है पैदल गश्त। आपको बता दें, डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। रामगढ़ शहर जहां में नगर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने माननीय राज्यपाल के नाम 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के पश्चात अधिवक्ताओं की एक आपात बैठक संघ भवन के संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन पूर्व मंत्री अशोक कुमार यादव ने किया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने श्री वर्मा को संबोधित करते हुए कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं के विरुद्ध 15 मई को जारी शासनादेश की हम निंदा करते हैं। उपस्थित अधिवक्ताओं ने समर्थन करते हुए कहा कि शासनादेश वापस हो का नारा बुलंद करते हुए पूरे तहसील परिसर में भी प्रदर्शन किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार को अधिवक्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्रवाई करने में सक्षम है। अधिवक्ता न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है। अधिवक्ता शासनादेश प्रमुख सचिव के पत्र से आत है। अंत में अधिवक्ताओं ने 3 सूत्रीय ज्ञापन SDM प्रेमचंद मौर्य को भी सौंपा। SDM ने कहा कि पत्र प्रेषित किया जाएगा। इस दौरान संघ नव निर्वाचित अध्यक्ष राजनाथ यादव, मंत्री श्याम बिहारी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद दुबे, विक्रांत सिंह, दूधनाथ चौधरी, अशोक सिंह, शोभनाथ यादव, प्रमोद सिंह, राम जन्म सिंह, दिलीप कुमार, हरिवंश यादव, राज बहादुर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर वर्तमान शासन ने जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध 15/5/2022 को एक निर्देश जारी किया था, अधिवक्ताओं के विरुद्ध, उसके संबंध में हम लोगों की संस्था जो माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, उन्होंने संज्ञान लिया और कुछ सारे कानून को वापस लेने की मांग किया। उसी के अनुक्रम में आज अध्यक्षता संघ मेरे नगर जो है कि आज जो है कि बार काउंसिल के आह्वान पर जो है कि आज जो है कि उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उस सारे कानून को वापस लेने के लिए अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो है कि जो टिप्पणी की गई है प्रमुख सचिव द्वारा। और हम आज अपने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दे रहे हैं अध्यक्षता संघ मेरे नगर की तरफ से, जो माननीय राज्यपाल महोदय को हमारा जो है ज्ञापन प्रेषित करने का कष्ट करें। आज मैं से ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय अपने संबोधन प्राप्त हुआ है। ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना क्षेत्र के भेदौरा गांव निवासी सिद्धार्थ सिंह उर्फ गुडलक की 15 मई को रात लगभग 10 बजे घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक सिद्धार्थ के पिता अनिल सिंह ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर गांव के ही 5 अभियुक्तों को नामजद एवं 3-4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस शीघ्र ही कार्रवाई करने का भरोसा तो दिलाई थी, लेकिन 6 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से आज बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार की महिलाएं 2 गाड़ियों के साथ अतरौलिया थाने पर पहुंची, जिसमें मृतक की मां लक्ष्मी देवी एवं दोनों बड़ी बहनें साक्षी सिंह व श्रेया सिंह ने थाने के गेट के सामने स्थानीय लोगों के साथ गेट के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गईं। अपने साथ डीजल लेकर आई थी। पीड़ित बहन ने अपने ऊपर डीजल छिड़क कर आग लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन उपस्थित पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से बचा लिया। इस दौरान थाने के मेन गेट पर ही काफी भीड़ होने के कारण मृतक सिद्धार्थ की दोनों बहनें लगभग आधा घंटा से गेट पर ही बेहोश थी। मौके पर सूचना पाकर उप जिलाधिकारी, बुढ़नपुर तहसील, नायब तहसीलदार,
क्षेत्राधिकारी अरेवलान थाना कप्तानगंज थाना मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाने में जुट गई। मृतक की मां का आरोप है कि पूर्व पुलिस न्यायपूर्वक कार्य नहीं कर रही है, दोषियों को बचाने में पुलिस खुद मदद कर रही है। आइए सुनाते हैं कि मृतक की मां लक्ष्मी देवी और मृतक की बहन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने भाई के लिए बैठी, अपने न्याय के लिए बैठी, अपने भाई के लिए लड़ रही। मेरा भाई 6 दिन हो गया, आज तक कोई कार्रवाई उसके घर पे एक कोर्ट भी नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसका एक घर है, उसका घर गिराया गया, उसका घर क्यों नहीं गिराया, जबकि हम लिखित दिए हैं, हम लोग लिखित दिए हैं 15:30 की बात। हम लोग की यही मांग है कि उन लोग को, पवन को और सतेंद्र को, दोनों को उनको मारा जाए और गिरवा जाए, उनका इनका इंकाउंटर किया जाए, वो मर जाए। हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को लिखित दिया है कि वही मारे, वो जिसको लिखित दिया उसका कोई कुछ नहीं हुआ है, ना ही कुछ पुलिस बिगाड़ी, ना ही कुछ हुआ है, आज तक अभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ उनके। मेरे भाई कोई काम नहीं करते, मेरे बाप का बिजनेस संभालते थे, बस यही नहीं संतोष है, नहीं 6 दिन हो गया, घर वाले हम लोग लिखित दिए, उनको क्यों नहीं पता, नाना उसका पुत्र कोई नहीं है, उनके घर 6 गया हुआ, आप ही थाने पे आज क्यों बैठी, धरना दे रही हैं क्यों, इसके बारे में बताइए। 6 दिन का दिन निकल गया, हमार लड़का जो है यहाँ हमेशा आवत रहा है, थाने एकदम बहुत बड़ा सही रहा है, लड़का हमार ना हमरे सामने मार गए, हमरे सामने हरिका मार गए, और जो है 6 दिन से यहाँ पुलिस दरोगा यसो तहसीलदार सब कहला न्याय दिया, न्याय दिया, न्याय दिया, एक थे भर रहा है, लड़का पकड़ा गया है और एक लड़का करा है वो कर हम ये चाह रहे हैं कि सोनू पवन सिंह का घर हमरे सामने तुरंत अभी गिरे और एकरे बाद जोन है पवन सिंह मारल जा और सोनू सिंह मारल जा, काउंटर हो भेदौरा का सोनू सिंह मारल, तब हमका का तसल्ली हो पवन सिंह, और पवन सिंह गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पवन मरवाए हैं, बस हम लोग को वही चाहिए, बस हम लोग को वही चाहिए, हम लोग हमारे न्याय चाहिए और तो पवन को मारना है, सतेंद्र को का इंकाउंटर होना चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए, किसी का नहीं इंतजार करें, बस उनका 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 घर गिरना चाहिए, कोई भी आए हम लोग। से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आगामी बाढ़ के दृष्टिगत बरधहुला नाला रेगुलेटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें, सगड़ी तहसील का निरीक्षण करके जिलाधिकारी ने नदी से कटान और बाढ़ क्षेत्र एवं बाढ़ की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गांगेपुर परसिया में कटान स्थल का निरीक्षण करते हुए पाया कि कार्य की प्रगति धीमी है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य की प्रगति को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि लेबर बढ़ाकर कार्य कराएं और बाढ़ के पूर्व ही सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने टेकनपुर रेगुलेटर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेगुलेटर की मरम्मत को पूर्ण पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार, सहायक अभियंता अरविंद कुमार, अवर अभियंता संकटा प्रसाद, क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष रौना पारा अखिलेश पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।